ये है जी इंडिया की सबसे ज्यादा लोडेड नाश्ते की थाली और इसकी कीमत है मात्र 35 रुपए। जी हाँ, 35 रुपए के अंदर आपको सैयाजी पूड़ी वाले पे मिलती है 5 मसाले वाली पूड़ी, ये बहुत ही ज्यादा चटपटे आलू, साथ में ये खट्टी मीठी पेठे की सब्जी और इनका मिर्ची का अचार बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है। और लोग कहते हैं कि हम तो अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। और अगर आप मीठा खाने के शौकीन है ना, तो इनका गुलाब जामुन खाए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। भाई आइए आज आपको कराते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो जी सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों में सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो तो होते हैं या छोले भटूरे या फिर पूड़ी आलू की सब्जी। और हम आज आपको लेके जा रहे हैं सैयाजी पूड़ी वालों के पास, जिनकी पूड़ी ऑर्डिनरी पूड़ी नहीं है। आपने बहुत सारी जगहों पे दाल की पिट्ठी वाली पूड़ी खाई होगी, लेकिन हम आपको आज ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे मसाले वाली पूड़ी सर्व की जाती है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बड़े सारे लोगों ने रेकमेंड किया गाज़ियाबाद जाए तो इनकी पूड़ी ज़रूर खा के आएँ। आइए, हम आए हैं आज इनके पास पूड़ी खाने और आपको खिलाने। देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है और क्यों इतनी फेमस है इनकी पूड़ी। आई सर, नमस्कार। नमस्कार सर, काफी तारीफ सुनी आपकी और हम इतनी दूर से आए आपकी पूड़ी खाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी पुरानी दुकान है और क्यों आपकी पूड़ी इतनी फेमस है। 60 साल हो गए। 60 साल पहले पिता के संग हम ही करते थे साथ जी, में। अब हमारे बच्चे हमारे साथ करते जी। 40 साल हो गए मुझे करते करते अपने हाथ से। तो देखिए जी, यहाँ पे जो आटा है उसको इन्होंने ले लिया है और इसके अंदर ये वो स्पेशल मसाला है जिसके लिए इनकी पूड़ी जानी जाती है पूरे गाजियाबाद में। और ये देखिए, मसाला जो है ये आम मसाला नहीं है, ये दाल की पिट्ठी वाला मसाला नहीं है, ये आटे का, बेसन का और कुछ मसालों का मिश्रण करके इस मसाले को बनाया जाता है। और यही मसाला बनाता है इनकी पूड़ी को सबसे ज़्यादा बेहतरीन। देखिए किस तरीके से मसाले को इस आटे के अंदर अब रोल कर रहे हैं, उसके बाद इसको इस तरीके से काटेंगे। जो मसाला है वो हर पूड़ी में आपको बराबर मिलेगा और उसका जो टेस्ट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। ये देखिए कैसे जो मसाला है एकदम बढ़िया तरीके से अंदर तक आटे के जा चुका है और उसके बाद इसको रोल करके इसके जो पेड़े हैं ना उसको काटा जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए जी, लगातार यहाँ पे जो सब्जी है वो रिफिल होती रहती है। इतने बड़े पैमाने पे इनकी ये पूड़ी और सब्जी पसंद की जाती है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। और ये देखिए, ये है यहाँ पे कद्दू की सब्जी और ये देखिए जी, यहाँ पे रिफिल करा जा रहा है रायता। आप देख सकते हैं सारे बर्तन जो हैं वो खचाखच एकदम भरे हुए हैं क्योंकि इनकी खपत ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिफिल हो रही है ये आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी हो, चाहे रायता हो, चाहे चटनी हो, चाहे अचार हो, चाहे ये सीताफल या कद्दू की सब्जी हो, सब बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ सैया जी की दुकान पे। और ये देखिए जी, ये है मिर्ची का वो अचार जिसके लिए लोग यहाँ दीवाने हैं और कहते हैं कि हमारी प्लेट इनकम्प्लीट है अगर हमें ये मिर्ची का अचार ना मिले। और दिखने में ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम बढ़िया सूखा मिर्ची का अचार। वाह। मेरा नाम बिमल सिंगल, सैया जी पूड़ी वालों के नाम से काम है मेरा, पिता से ही चला आ रहा है ये काम, साथ में काम करा मैंने उन्हों के और उनके ही आशीर्वाद से आज तीसरी पीढ़ी इस काम को कर रही है। पहले ठेली लगाई, ठेली के बाद जो है क्या, मैं छोटी दुकान ली किराए की, फिर धीरे 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 जो है बड़ों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँच गया। मेरे यहाँ हर तरह का कस्टमर है और खुश होकर जाता है, कभी नाराज हो के नहीं गया। 2 सब्जी हैं, आलू की और सीताफल। अब इस महीने में लास्ट में गोभी बन जाएगी। जाड़े में 3 सब्जी हो जाती है, बूंदी का रायता होता है, मीठे में 2-1 आइटम बनती है। अब गाजर का हलवा बनना चालू हो जाएगा 1-2 दिन से देसी घी में। बस यही है, अपने ये 2-4 आइटम होते हैं नाश्ते वाली है। गुलाब जामुन है, मोहन भोग है, जो बर्फ़ी होती है, कांच की स्टील की कोई प्लेट नहीं है मेरे यहाँ, केवल पत्तल में। 35 रुपये की 5 पूड़ी देते हैं, 10 रुपये का रायता। मीठा जो है क्या भाई, गुलाब जामुन है 10 रुपये पीस है, ये भी फ्रेश है, अगर कल बनेगा तो आज बिकेगा, ये परसों नहीं बिकेगा ना, हम देखेंगे। हम इनके बहुत पुराने ग्राहक हैं, कम से कम 50 साल से पूड़ी खा रहे हैं इनके।
उनके पिताजी के टाइम से बना रहे हैं। तो जी देखिए, सैया जी पूरी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे विमल अंकल जो हैं, जो कि सैया जी के बेटे हैं, आज भी यहाँ पे खड़े होकर जो पूड़ियाँ हैं ना उनको अपने हाथों से बेलते हैं, खुद फ्राई करते हैं, और इसी प्यार के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। क्योंकि कहते हैं खाने को आप जितने प्यार से खिलाएंगे ना उसका स्वाद उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो इनके खाने में भी स्वाद है और इनकी हॉस्पिटैलिटी में भी उतना ही ज़्यादा स्वाद है। तो जी इनकी आलू पूड़ी, इनकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फेमस है कि लोग अपने घर से टिफ़िन तक लेके आते हैं सुबह के नाश्ते के लिए या दोपहर को जो लंच करना है उसके लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार ये टिफ़िन बॉक्सेस को पैक करते जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से लोग दूध वाला डोलू भी लेके आते हैं, उसमें सब्ज़ी भरवाते हैं, इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डलवाते हैं, पूड़ी लेते हैं और फिर घर जाके अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। भाई यही ब्यूटी है हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, जहाँ पे लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। और इसके अंदर लगभग मैंने सुना है 15 प्लेट लोग पैक करा के लेके जा रहे हैं। एक भैया आए हैं बहुत दूर से, और वो भी 20 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ यहाँ से पूड़ी और सब्ज़ी खाने के लिए। अब कितने पॉपुलर ये होंगे अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। तो देखिए जी, यहाँ पे लगने जा रही है सबसे बेहतरीन नाश्ते की थाली, और उसके अंदर सबसे पहले यहाँ इन्होंने डाला आलू, उसके ऊपर डाली जी खट्टी वाली चटनी, यहाँ पे आया इनका फेमस मिर्ची वाला अचार, और साथ में आई ये जी कद्दू की सब्जी जो दिखने में कितनी लाजवाब है, और साथ में आई इधर ये आई चम्मच, और इसके अंदर आई जी ये बेहतरीन मसाले वाली पूड़ी, और इसकी कीमत है मात्र 35 रुपये। 35 रुपये के अंदर इससे बेहतरीन नाश्ते की थाली अगर आपने कहीं खाई है ना तो मुझे ज़रा कमेंट्स में जाके बताओ भाई, क्या लाजवाब ये नाश्ते की थाली लग रही है। तो जी ये है वो प्लेट जिसके लिए यहाँ पे लोगों की लाइनें लगती है, और 35 रुपये के अंदर इससे बेहतरीन नाश्ता कहते हैं आपको पूरे गाज़ियाबाद में कहीं नहीं मिल सकता। तो भाई साहब यहाँ पे ये है पेठे की सब्ज़ी, और ये है आलू की सब्ज़ी जिसके ऊपर मिर्ची का अचार है, चटनी है, और ये है 5 मसाले वाली पूड़ी, और ये गुलाब जामुन के लिए आपको अलग से स्पेंड करना पड़ेगा। 35 रुपये के अंदर इससे बेहतरीन नाश्ता मुश्किल ही है कहीं आपको मिले। देखिए बात करते हैं पूड़ी की, बात करते हैं इनके मसाले की, कितनी बढ़िया फूली हुई ये पूड़ी है, और बीच में इनका ये मसाला देखिए आप, ये देखिए। तो हर पूड़ी के अंदर आपको बराबर मात्रा में जो मसाला है ना वो मिलता है। आपने बेड़मी पूड़ी खाई होगी, दाल की पिट्ठी वाली पूड़ी खाई होगी, लेकिन ऐसी खस्ता मसाले वाली पूड़ी शायद ही आपने कहीं खाई होगी। और अगर आप ये खाना चाहते हैं तो सैया जी हैं अब गाज़ियाबाद में, किसी से भी पूछिए, बहुत फेमस पूड़ी वाले हैं, इनकी पूड़ी खाइए और बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि मैं पहले खा चुका हूँ और इसलिए आपके लिए यहाँ रिव्यू करने आया हूँ। पेठे की सब्ज़ी लीजिए, थोड़ा सा लीजिए आलू की सब्ज़ी, साथ में पकड़िए मिर्ची का अचार और बाइट लीजिए। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि 60 साल हो गए इनकी दुकान को, इनका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसे इनके पिताजी ने शुरू की थी, और आज भी सेम रेसिपी से सारी सब्जियों को बनाया जाता है, सेम रेसिपी से पूड़ी को बनाया जाता है, और सेम तरीके से इस पत्तल के अंदर ही सर्व किया जाता है। और पत्तल के अंदर जब आप नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं ना, इसका जो स्वाद है ना वो 2 गुना और बढ़ जाता है, इसकी महक खाने के अंदर अच्छे से चली जाती है और वो स्वाद को बढ़ा देती है। तो बात करूँ अगर आलू की, चटपटे आलू है, मसालेदार आलू है, और पूड़ी के साथ बेहतरीन मेल। और बात करूँ अगर इस पेठे की सब्ज़ी की, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी जैसे की होनी चाहिए, और इस पूड़ी के साथ बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इस पेठे की सब्ज़ी का। अगर आप ये सब खा लें, थोड़े से मुँह का चटकारा भरा लें, तो मिठास के लिए खाइएगा इनका ये फेमस गुलाब जामुन। हर बंदा जो यहाँ आ रहा है, जो खा रहा है, जो पैक करा के लेके जा रहा है, बिना गुलाब जामुन के जा नहीं रहा है यहाँ से। आओ दिखाएं आपको गुलाब जामुन, देखिए जी सॉफ्ट सा एकदम बढ़िया गुलाब जामुन है। ओए होए ये देखो क्या लाजवाब, एकदम बढ़िया ये गुलाब जामुन, गर्मा गर्म मुँह में रखते ही घुल गया गुलाब जामुन, कहाँ गया मुझे पता नहीं है। मतलब इतना टेम्पटिंग गुलाब जामुन कि बस रखिए और भूल जाइए, और फिर उसका स्वाद आप आराम से इंजॉय करते रहिए। भैया इससे बेहतरीन नाश्ता गाज़ियाबाद में तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर कहीं मिलता है तो मुझे कमेंट में जाके बताइए कहाँ। और अगर आपको ये इंजॉय करना है तो आपको आना होगा सैया जी पूड़ी वाले के पास, जो कि गाज़ियाबाद में है। पूरी एड्रेस आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल लोकेशन दे दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा, लेकिन 35 रुपये में इससे बेहतरीन नाश्ता मैं नहीं बता पाऊँगा। आइएगा, खाइएगा, बताइएगा आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। पूड़ी तो बहुत खाते हैं, आज गुलाब जामुन खा के जाइए, रुकिए।